हाय यार, वेलकम टू द अनदर वीडियो सेशन ऑन ई कॉमर्स सीरीज। तो हम लोग बात कर रहे थे कमेंट्स के, कवर कर रहे थे कमेंट्स पे। तो मैं सोचा कि यार वीडियो एक दो दिन में, एक दो सेशन में ख़त्म हो जाएगा, पर ये अभी तीसरा, मेरे ख्याल से चौथा सेशन है, आई थिंक सो, इट्स अ फोर्थ सेशन एंड वी विल कवरिंग अपॉन लाइक्स। तो लाइक्स में हम लोगों ने एक थोड़ा मैंने काम किया था, पर मेरे को बाद में पता चला कि ये जो अप्रोच है वो सही अप्रोच नहीं है। तो हम लोग उसी हिसाब से इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ब्रेव में मैंने सर्च करके रखा, चलो ब्रेव का ओपन कर देता हूँ। ब्रेव ब्राउजर में ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके ब्राउजर्स मतलब कुछ ऐसे ब्राउजर्स हैं जैसे ब्रेव में काम कर रहा है या फिर आवाज में काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका मेन आवाज मतलब क्रोम में काम जरूर करेगा, क्योंकि वह सब क्रोमियम ब्राउजर्स होते हैं ये सब। थोड़ा सा कैमरा को सही कर देता हूँ मैं, आई थिंक अब कैमरा सही लग रहा है और मेरा इमेज भी ठीक से आ रहा है, ठीक है। तो आज का स्पेसिफिकली लाइक के लिए होगा। तो लाइक के लिए मैंने थोड़ा सा काम किया था, मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ। हम लोग एक अलग से एक क्लासेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। लैग कर रहा है मेरा स्क्रीन, मैं वापस फिल्मोरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक एवरीथिंग वर्क्स फाइन, कुछ शट डाउन ना हो जाए मेरा सिस्टम, मुझे वही लग रहा है। एक मिनट चेक कर लूँ हीट कितना हो रहा है। थोड़ा बहुत हीट हो रहा है, लैपटॉप वो सब अवॉइड करते हैं अभी उसका, ठीक है। ये सिस्टम लॉगिन हो रहा, चल रहा है, काम चल रहा है जिसका। जब तक ये लोड हो रहा है मैं क्या करता हूँ, आपको इस सिको सर्वर मैनेजमेंट, क्या बोल रहा हूँ यार, सिको सर्वर अपडेट बोल रहा हूँ, उससे मैं एक चीज़ दिखा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ उसी की वजह से ये सेशन थोड़ा सा लंदी हो जा रहा है, मतलब एक अलग से सेशन मैंने क्रिएट किया इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग इन द सेम वीडियो, ठीक है। तो ट्रेंड्स टेबल में जाऊँगा, टाइम ले रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा, डिपेंडिंग अपॉन आपके क्या प्रोसेसर है आपका और क्या कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। रिप्लाई कमेंट्स में ही दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे काम कर रहे थे हम लोग, इसमें लाइक कीवर्ड डाल के रखा है। अब लाइक एक बंदे ने लाइक किया, अब हो सकता है चार पांच लोगों ने लाइक किया। अब मैं उसको लाइक पे फिर से क्लिक करूंगा तो डिसलाइक हो जाएगा, वो लाइक हटना चाहिए। अब मैं उसको कैसे फिगर आउट करूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूजर आई डी ले नहीं रहे, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही तो हम लोगों ने किया, यूजर आई डी ले नहीं रहा। यूजर आई डी ये तो मेरा इस जो जिस बंदा ने रिप्लाई डाला है उसका यूजर आई डी ये बंदा ने रिप्लाई डाला है, और बाकी मैं लाइक जो कर रहा हूँ उसका तो मैं रिकॉर्ड रख नहीं रहा हूँ ना, उसका तो मैं मैनुअली अपडेट कर रहा था। तो वो एक इशू है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ, और थोड़ा इमेजेस बहुत बड़े बड़े हैं, इसका भी थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा, वो किसी और दिन वीडियो में कर दूंगा मैं थोड़ा सा। अभी लेंदी, अभी सेशन बहुत सारे सेशन बाकी है इसमें। ओके, ये लॉग इन हो जाए यार, यप लॉग इन हो गया मेरा। मैं थोड़ा सा वीडियो कट करके दिखा रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जाएंगे, काम करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें। थोड़ा बहुत ये लाइक वाइक का ये थोड़ा डिज़ाइन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, फॉन्टिज्म का डब्बा मैंने रेड कलर का डाल दिया, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो लाइक वाले पे काम करेंगे। ओके, लाइक वाले पे काम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये बंद करता हूँ, एंटिटीज पे जाता हूँ पे। ओके, ये लाइक वाला है ना, ये मेरे को हर जगह से हटाना पड़ेगा, क्योंकि लाइक ये इसको अभी के लिए लाइक रखते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूंगा अभी 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 डिलीट कर देते हैं लाइक को। ओके, मुझे दोनों जगह पे चाहिए, रिप्लाई कमेंट में भी चाहिए और कमेंट में भी चाहिए। एंटिटी आईडी रिकॉर्ड आईडी है, ठीक है। एंटिटीज पे जाएंगे, एक ये क्लास बनाई थी लव नाम की क्लास बनाई थी, तो इसको आई थिंक आई शुड डिलीट इट, ठीक है। आई विल डिलीट दिस क्लास, आई डोंट नीड इट, ठीक है। सो आई एम डिलीटिंग दिस क्लास, और एक और चीज़ ओपन कर लेते हैं, डीबी सेट्स, डीबी इनिशियलाइजर्स नहीं, डीबी सेट्स के अंदर यहाँ पे आएंगे और ये डीबी सेट को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। आई डोंट नीड इट, व्हाट आई नीड दैट वो मैं बताता हूँ मैं क्या चाहिए मुझे। मुझे दो एंटिटीज चाहिए यहाँ पे। मैं जो आपने देखा होगा जब हम लोगों ने इमेजेस पे काम कर रहे थे, मल्टीपल इमेजेस में वो एक सिनेरियो कवर किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी कवर करेंगे। बट डिफरेंस ये रहेगा कि मैं एक तीसरा टेबल नहीं बना रहा हूँ,
उसका मैं डायरेक्टली दो टेबल्स बना रहा हूँगा, क्योंकि मुझे इस बार डायरेक्टली मैं सेव कर सकता हूँ, मुझे दिखाना नहीं है किसको बाद में अटैच करके उसको, फिर जी मैं डायरेक्ट सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट्स लाइक कर देता हूँ। एक ये क्लास बनेगी, दूसरी एक और क्लास बनेगी, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या क्लासेस बन रही है। ठीक है, रिप्लाई कमेंट, ठीक है, दोनों को पब्लिक कर देते हैं। पहले इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए मुझे। मुझे एक तो हमें आईडी चाहिए, आई डाल दूंगा। दूसरा मुझे क्या चाहिए, नेम पेम नहीं चाहिए, मैं दिखा देता हूँ क्या चाहिए। आईडी चाहिए, यूजर आईडी चाहिए और रिप्लाई कमेंट आईडी चाहिए। हाँ, तो इतना ज़्यादा कुछ करते नहीं है, यहाँ पे ओपन करते हैं रिप्लाई कमेंट। ठीक है, ये वाला जो है ना फॉरेन की, इसको उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल डॉट डालूंगा, सजेशन दिखाएगा। भैया दिखा दिया करो, सजेशन दिखा दिया इधर। और कमेंट्स खुला है ना, कमेंट्स नहीं खुला हुआ भैया, मैंने कमेंट्स तो खोला था, रिप्लाई कमेंट्स खोला था। चलो ठीक है, और यूजर आईडी यहाँ तो उठा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट आईडी नहीं होगी, इंस्टेड ये रिप्लाई कमेंट होगा। ठीक है, तो रिप्लाई कमेंट होगा, तो रिप्लाई कमेंट यहाँ पे डाल देते हैं फॉरेन की, और ये रिप्लाई कमेंट की यहाँ पे आईडी होगी। बस इतना चीज चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। आईडी डाल दिया, रिप्लाई कमेंट आईडी और यूजर आईडी हो गई। ठीक है, अब क्या करता हूँ, उठाता हूँ इसी चीजों को यहाँ पे डाल देता हूँ, पब्लिक कर देते हैं। फॉरेन की आएगी, फॉरेन की कर दिया, और रिप्लाई कमेंट में एक काम करता हूँ, ये डाल देता हूँ, वर्चुअल नहीं डाला ना मैंने, हाँ वर्चुअल नहीं डाला मैंने, तो उसमें डालना पड़ेगा वर्चुअल मेरे को, तो ये वाला कॉपी कर देता हूँ। रिप्लाई कमेंट आईडी के बाद ना, ठीक है, रिप्लाई कमेंट और रिप्लाई कमेंट। ठीक है, एक और चीज डालनी पड़ेगी मुझे, वो मैं डाल दूंगा अभी। ठीक है, कमेंट लब में क्या किया, आईडी डाल के रखी है, कमेंट की आईडी आएगी और यूजर आईडी आ जाएगी इस तरह से, कमेंट आईडी। रिप्लाई कमेंट में क्या किया, आईडी आएगी, रिप्लाई कमेंट आईडी उसकी, रिप्लाई कमेंट के लिए यूजर आईडी और ये एप्लीकेशन यूजर। कमेंट में ये वर्चुअल लिस्ट डाल रहा था, तो ये मेरा कमेंट लब में भी जाएगा, तो इसको यहाँ पे वर्चुअल लिस्ट सेम डाल दूंगा और ये उठा लेते हैं। ठीक है, रिप्लाई कमेंट में आते हैं, रिप्लाई कमेंट में आ जाएगा मेरे ख्याल से ये वाला ही जाएगा, क्योंकि इसको मैं क्या दे रहा हूँ, अपना एक प्राइमरी की दे रहा हूँ ना, एज अ फॉरेन की मैं आईडी को। ठीक है, तो मैं इसको दे दिया, कमेंट्स वाला कमेंट्स लव को भी दे रहा है और रिप्लाई कमेंट्स को भी दे रहा है अपना एक फॉरेन की। तो डीबी सेट्स क्रिएट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल डी दो कर दिया, और यहाँ पे भी कमेंट लव्स माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस डॉट डाटा करूँगा, ऐड माइग्रेशन, एडेड मॉडिफाइड, एडेड टू लाइक वर्बोस। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस डाटा चल रहा है, यहाँ पे आता रहेगा, चलेगा चलेगा। ओके, कमेंट्स वाले में रिप्लाई कमेंट में कुछ किया था, लाइक हटाना था। ठीक है, लाइक वाला हटा देता हूँ मैं, ये क्या हो गया, सेव ऑल करता हूँ। अब यहाँ पे फोर्स डाल देता हूँ, क्योंकि मैं लाइक भी हटा दे रहा हूँ वहाँ से।
ठीक है, यहाँ पे कमेंट्स लव वाला बन रहा है, यहाँ पे आईडी आ रही है, कमेंट आईडी आ रही है, यूजर आईडी आ रही है। अपडेट डाटाबेस कर देता हूँ, माइनस वर्बोस, ठीक है, हटा देता हूँ, इसको भी हटाऊंगा और इसको भी हटाऊंगा। लाइक आ नहीं रही तो लाइक मैं हटा देता हूँ, यहाँ यहाँ पे इधर से भी लाइक हटा देता हूँ। थोड़ा सा बता देता हूँ ओवरव्यू, किस क्या चीज़ कर रहे हैं हम लोग। रिप्लाई लाइक से स्टार्ट करते हैं, रिप्लाई वाले में स्टार्ट करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस आईडी मेरे पास कितने लाइक्स है, उसके काउंट मेरे को फाइंड करना है। साथ में मैं एक और चीज़ चेक करूँगा, हाँ काउंट फाइंड करना है, काउंट फाइंड हो जाएगा उसका। साथ में जब मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मैं चेक करूँगा कि ऑलरेडी उस आईडी के यूज़र आईडी और उस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग है कि नहीं, अगर रिप्लाई कमेंट आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा है कि नहीं। अगर डेटा है तो मैं उसको अवॉइड करूँगा करना, नहीं तो फिर मैं उसको करूँगा सेव, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्टिंक्ट चाहिए मुझे, मैं ज़्यादा कि डुप्लीकेट हो जाए मेरा काम। तो ठीक है, यहाँ पर जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको साउंड सुनाई दे रही होगी खटखट की, वो थोड़ा अवॉइड करें, कंस्ट्रक्शन का वक्त चल रहा है यार यहाँ पे। ओके, इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, और रिप्लाई कमेंट डॉट रिप्लाई कमेंट लव्स एक्सटेंड्स टू रिप्लाई कमेंट आईडी इक्वल टू रिप्लाई कमेंट डॉट आईडी डॉट काउंट ग्रेटर देन जीरो। ओके, आई थिंक गड़बड़ ना हो मेरे से कुछ भी, अभी तो मैं थोड़ा चेक कर रहा हूँ, ट्राई एंड एरर करते हैं, इसको अभी हटा देते हैं, लाइक की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे आई डोंट थिंक कहीं पे गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ एंटर करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, रिप्लाई कमेंट डॉट रिप्लाई कमेंट्स डॉट वेयर, वही वाला कंडीशन जो मैंने ऊपर डाला है ना, एक काम कर सकते हैं उसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बढ़िया होगा, ठीक ये है ना, इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकते हैं वो बढ़िया होगा। ये एट द रेट के अंदर है तो मेरे को इधर एट द रेट डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे एक मैंने कंडीशन डाल दिया है। कंडीशन क्या डाला है, जिस बंदे ने यहाँ पे कमेंट डाल रिप्लाई किया है कमेंट का, उस बंदे को मैं लाइक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ उस वाले रिप्लाई कमेंट का, खुद के कमेंट को रिप्लाई कमेंट या कमेंट को लाइक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसका भी ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे यूट्यूब देता है, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, मैं नहीं दे रहा। तो उसके लिए मैंने क्या सिंपल एक चेक किया, यहाँ पे डाल रहे हैं कि रिप्लाई कमेंट डॉट यूज़र आईडी जो है वो नॉट इक्वल टू करंट यूज़र आईडी है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं बटन क्लिक में यहाँ पे जा रहा हूँ लाइक अपडेट पे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईडी भेज रहा हूँ। आईडी क्या है हमारा, आईडी क्या है, इफ यू सी यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगा, डिटेल्स वाले में जाऊँगा, यहाँ पे लाइक वाले में डॉट डाटा एच आर ई एफ है ना, तो मेरा डाटा एच आर ई एफ कहाँ पे, ये डाटा एच आर ई एफ है, ठीक है। रिप्लाई कमेंट की आईडी भेज रहा हूँ, रिप्लाई कमेंट की आईडी भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। और रिप्लाई इसका थोड़ा सा अलग करूँगा, ठीक है, और इसको मैं जनरेट मेथड कर दूँगा, इसको लाइक कर देता हूँ। इस वाले मेथड में जाते हैं, ठीक है, रिप्लाई कमेंट्स ये वाला है ना, इसी को डाल देता हूँ मैं, ठीक है। आईडी होगा ये वाला, क्लास का नाम डालूंगा, रुको अभी रुको, इसमें क्या करता हूँ मैं, एक और चीज करनी पड़ेगी। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, क्या पैरामीटर चाहिए, यूजर आईडी, तो वार यूजर आईडी ये कहाँ से आएगी, यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट गेट यूजर आई डी से आएगी, और इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एज अ यूजर आई डी पैरामीटर, और इस वाले को कहाँ गया, कमेंट सर्विस यहाँ पे,
यहाँ पे यूजर आईडी पास कर भी कर देता हूँ। इंटीजर नहीं डालना है मुझे, स्ट्रिंग डालना है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे आ जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ दिखा रहा है क्या? वार है, वार वार पे सब कुछ ले लेता है जो चाहिए। ठीक है, वेयर एक्स टेंड्स टू एक्स डॉट आईडी, नहीं रिप्लाई कमेंट आईडी इक्वल टू आईडी एंड एंड एक्स डॉट यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी। यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ यार, यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट, और रिप्लाई कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ये होगा गड़बड़, इधर गड़बड़ है, बाकी इधर गड़बड़ नहीं है, सही हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ वेयर x tends to x dot reply comment id equal to id है and user id equal to dot to list कर रहा हूँ, तो जितना डेटा आ जाएगा अगर इसका काउंट ग्रेटर देन जीरो है नॉट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, इसकी वैल्यू अगर नल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा डेटा को, यहाँ पे आऊंगा इधर पेस्ट कर दूंगा, ये वाले क्लास को यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और रिप्लाई कमेंट लाइक कर देता हूँ, रिप्लाई कमेंट लाइक डॉट यूजर आईडी इधर से आ जाएगी। टाइम स्टैम्प डालने, ओके मैंने टाइम स्टैम्प डालना भूल गया था मैं, तो ठीक है टाइम स्टैम्प डालना भूल गया हूँ, तो डॉट क्या हो जाएगी मेरी आईडी होगी रिप्लाई कमेंट आईडी, ये इक्वल टू हो जाएगी आईडी पैरामीटर जो आ रहा है मेरा। बाकी यहाँ पे क्यों एरर दिखा रहा है, ठीक है एक इस तरह से एक यूजर आईडी और आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एक जनरेट मेथड कर दूंगा, सर्विस में एक मेथड जनरेट हो गया है। चल स्टूडियो भी कभी कभी गड़बड़ कर रहा है, यहाँ पे आते हैं सेव करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, क्या आईडी बनाई, यहाँ पे इधर आते हैं इधर आते हैं इधर आते हैं, ये इसका इफ के अंदर आएगा, कंटिन्यू क्लिक कर दे रहा हूँ। लिंक वन हो गई, ठीक है वन पे अब इधर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड वाले में ही डाल के रखा है लोगों ने, तो मैं क्या करूंगा इसको हटा देता हूँ, इस वाले को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे एट द रेट होगा, ये सारे चीजें आई थिंक जो मुझे जरूरत है। लीव कमेंट में भी मेरे को चाहिए, एक्शन में भी चाहिए, गेट में चाहिए आई थिंक, आई डोंट थिंक गेट में भी चाहिए मुझे। एक काम करते हैं कंट्रोलर लेवल पे जाते हैं, ऑथराइज कर दिया मैंने इसको, अब मैंने जब ऑथराइज कर दिया इसको पूरे में ऑथराइज हो गया, इसका मतलब ये आपका जब तक आप लॉग इन नहीं किए आपका ये लॉगिन करने के लॉगिन पेज में सेंड कर देगा ये। इस तरह से मेरा रिप्लाई कमेंट में काम हो गया। सेम मैं चीज में क्या करता हूँ, लेट मी इम्प्लीमेंट द सेम इन कमेंट्स ऑल्सो, लाइक कमेंट्स वाले में भी मैं सेम चीज कर दूंगा यहाँ। तो ये वाला कॉपी कर लेते हैं आई थिंक, क्योंकि कमेंट्स को भी एडिट नहीं किया तो मैं इतना तक कॉपी करना पड़ेगा मुझे, ये वाला इतना कॉपी कर लेता हूँ मैं। कमेंट्स कहाँ पे, ये एट द रेट यूजर डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, मुझे ये रिप्लाई का ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे एरर आने वाली है, एरर्स आएंगे एरर्स को रिमूव करेंगे, ये कमेंट डॉट आईडी हो जाएगी और यहाँ पे भी कमेंट डॉट आईडी हो जाएगी, ठीक है और यहाँ पे भी कमेंट डॉट आईडी, यूजर आईडी नॉट इक्वल टू, ठीक है थोड़ा वो चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे भी कमेंट डॉट कमेंट आईडी होगी ये, और ये रिप्लाई कमेंट की जगह पे कमेंट डॉट क्या होगा कमेंट आईडी होगी ये, ठीक है। और यहाँ पे आई डोंट थिंक कहीं पे एरर दिखा रहा है,
यहाँ पे भी गड़बड़ दिखा रहा है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, कमेंट डॉट कमेंट आईडी। ओके यहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक काम करते हैं लाइक चेक कमेंट डाल देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ऊपर वाले में चेंज कर रहा हूँ, नीचे वाले में चेंज नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाला क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सही है इसमें। इसको कट करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग को यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, रिप्लाई इधर आ रहा है और ये यहाँ पे ये बटन्स बन के आ रहा है, और वहाँ पे कमेंट की आईडी सब चीज़ डाल देता हूँ, देख लेंगे क्या क्या चीज़ें जरूरत है। भाई कमेंट आईडी से ही काम चल जाएगा मेरे ख्याल से, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं, कमेंट आईडी, हाँ कमेंट आईडी ही ले लेते हैं, बाकी चीज़ों को देते नहीं हम लोग, ठीक काम करेंगे अभी उसी पे काम करेंगे, ठीक है। बाकी क्या करूँगा मैं, आईडी डाली हुई है, अब ये कमेंट्स एडिट का हो गया ये, फिर लाइक कमेंट्स पे क्या जाएगा, लाइक अपडेट कमेंट्स कर दिया कमेंट्स, और वो कमेंट आईडी ले ले रहा है, ठीक है कमेंट आईडी चाहिए, बाकी कुछ चाहिए नहीं मुझे। ओके कमेंट डॉट यूजर आईडी ये सब डाल कर रखी है, चलो ठीक है। एडिट के लिए मुझे एडिट का भी फॉर्म चाहिए, एडिट का फॉर्म चाहिए एडिट दिखाने के लिए उसमें, तो एडिट दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया मैंने, एक्शन की जगह पे एडिट होगा ये, एडिट वाले में जा रहे ना कमेंट्स, तो यहाँ पे एक और चीज कर देता हूँ, मुझे कमेंट डालना अच्छे लगते हैं, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, कमेंट क्या डालता हूँ, फॉर एडिटिंग कमेंट्स, रिप्लाई कमेंट्स अलग है और ये कमेंट्स अलग है। कमेंट्स में एडिट में क्या भेज रहा हूँ मैं, कमेंट आईडी भेज रहा हूँ, तो मैं कमेंट आईडी एज अ पैरामीटर ले लूंगा, ठीक है यहाँ पे कमेंट आईडी एज अ पैरामीटर ले लूंगा, एडिट में आईडी मुझे जरूरत है नहीं, प्रोडक्ट आईडी की जरूरत है, जब सेव करूँगा तो मुझे प्रोडक्ट आईडी की जरूरत है मेरे सब कुछ डेटा को, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ये कमेंट आईडी ले लूँगा मैं इंस्टेड ऑफ आईडी, और रिप्लाई कमेंट ये थोड़ा गेट ऑल कमेंट बाय आईडी, गेट कमेंट बाय आईडी कर दूंगा मैं इसको, कमेंट आईडी डॉट वैल्यू नहीं होगी, और इस बार मुझे इफ की कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो मैं इफ कंडीशन हटा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमेशा आने वाला है मेरे को कमेंट, कमेंट कमेंट व्यू मॉडल में मेरे पास क्या क्या है, टेक्स्ट है, रेटिंग है, एंटिटी आईडी और रिकॉर्ड आईडी, तो आई थिंक मुझे यही चीज मैं कर सकता हूँ, टेक्स्ट ये कमेंट व्यू मॉडल ले सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू मॉडल आई विल बी यूजिंग दिस कमेंट व्यू मॉडल। मुझे एरर क्यों दिखा रहा है ये, ओके कमेंट आईडी की जरूरत नहीं है, तो मैं कमेंट आईडी और प्रोडक्ट आईडी की जरूरत है, जरूरत है मुझे एडिट का, मैं बोलता हूँ एक पॉपअप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा एड व्यू करूँगा यहाँ पे MVC 5 ऐड व्यू और MVC 5 ऐड व्यू पार्शियल व्यू रखे, पार्शियल व्यू में यहाँ पे एडिट कर देता हूँ मैं, ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, एडिट एडिट वाला बना दिया, कमेंट बाय आईडी कुछ मैंने बना कर रखा है, ठीक है कमेंट बाय आईडी ले लेते हैं, ऊपर कहीं पे डाल कर रखा है मैंने कमेंट व्यू मॉडल में, कमेंट बाय आईडी ओके नहीं डाला है, ठीक है तो कमेंट्स कहाँ पे जाएंगे, कमेंट सर्विस में जाएंगे, ठीक है ये वाला ना कमेंट बाय आईडी डाल के रखी है, रिप्लाई यहाँ पे है मेरे पास, आई थिंक इंट आईडी ले लेता हूँ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं अपना कमेंट डाल देता हूँ, ये हमारा क्लास का नाम है, और यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे हम लोग db.db हमारा उसका नाम है डेटाबेस के, वहाँ पे कनेक्शन ले db.comments comments.find ठीक है यहाँ पे मेरा कमेंट की आईडी आ जाएगी इस तरह से, कमेंट की आईडी आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, एडिट करना है ना, तो मुझे कमेंट में सब कुछ असाइन करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, तो मैं कमेंट्स वाले में जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे टेक्स्ट चाहिए भाई, रिप्लाई कमेंट क्यों, ओके कमेंट चाहिए मुझे, इसकी नाम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है और इंस्टेड ऑफ एक्शन आई विल बी गोइंग टू एडिट वन, ठीक है और यहाँ पे मैं मॉडल डॉट करूँगा, तो मॉडल डॉट टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट इक्वल टू और मॉडल डॉट
रेटिंग हो जाएगा कमेंट डॉट, आई थिंक मुझे एंड प्रोडक्ट आईडी की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। डिटेल्स वाले में जाएंगे और आई थिंक प्रोडक्ट आईडी की भी ज़रूरत नहीं है जो मुझे, तो मैं यहाँ पे एडिट वाला है ना, हाँ तो ये मुझे ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट आईडी की, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी यूआई अपने हिसाब से आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं जो जो आपको अच्छा लगे। रिकॉर्ड आईडी क्या डाल के रखी है, प्रोडक्ट आईडी ये हटा देता हूँ, आई डोंट नीड दीज थिंग्स। ओके ओके, इसी को इतना इतना सब कुछ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया पेस्ट किया, और ये व्यू मॉडल्स की जगह पे कमेंट सेक्शन मॉडल होगा, कमेंट्स व्यू मॉडल, आई थिंक कमेंट्स व्यू मॉडल ही है हमारा, हाँ कमेंट्स व्यू मॉडल है। ठीक है, और उसके बाद आई थिंक आई डोंट नीड यूजिंग HTML डॉट बिगन फॉर्म कर दूँ या फिर फॉर्म का कर दूँ मैं डायरेक्ट, मैं फॉर्म का करना चाहता हूँ। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं HTML डॉट बिगन फॉर्म वाला नहीं करता हूँ अभी के लिए, मैं यह करता हूँ यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अच्छा, कमेंट आईडी नहीं मैंशन किया, ये गड़बड़ हो गया मेरे को, मॉडल डॉट कमेंट आईडी, मॉडल डॉट आईडी आई थिंक सो यार, तो यहाँ पे जाएंगे कमेंट्स व्यू मॉडल में जाऊंगा, एक पैरामीटर ले लूंगा, इसको नलेबल कर दिया मैंने आईडी को, और इसके बाद यहाँ पे आएंगा मॉडल डॉट आईडी इक्वल टू कमेंट आईडी, और ये मैं आई थिंक ऊपर वाला आईडी है ना तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, HTML डॉट टेक्स एरिया फॉर ये, चलो ठीक है इसमें कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट आईडी में क्यों दिखा रहा है ये, इसको कमेंट आउट करो, इसको अनकमेंट करो, बटन आईडी हो गई है, और ये इस तरह से सेव बटन डाल के रखा है मैंने, और एक फॉर्म बना देता हूँ मैं, फॉर्म टैग कहाँ पे इसमें डाल देता हूँ मॉडल बॉडी को, और इसको यहाँ पे इस तरह से बंद कर दूंगा, आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, ये फॉर्म टैग बन गया, इसको आईडी में डाल दूंगा, यहाँ पे क्या आईडी डालूंगा, एक्शन फॉर्म एज एन आईडी डाल दूंगा मैं। इसमें क्या क्या पैरामीटर है जो मुझे सेंड कर रहा हूँ, मुझे टेक्स्ट चाहिए, रेटिंग चाहिए, एंटिटी आईडी, रिकॉर्ड आईडी, तो रेटिंग को बाय डिफॉल्ट मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, रेटिंग को भी डाल देता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे डालनी पड़ेगी, रेटिंग हिडन होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली रेटिंग को भी मैं चेंज करना चाहूँगा यहाँ से अभी के लिए, रेटिंग को थोड़ा सा रेटिंग पे जब काम करेंगे तब कर दूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपल से एक वो डाल देता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन कर देता हूँ रेटिंग को भी, रेटिंग पे अभी हम लोगों ने काम नहीं किया तो मैं रेटिंग का मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ अभी आपको, लेटर ऑन मैं आप रेटिंग को भी बता दूंगा आपको, रेटिंग जिस तरह से आप काम करेंगे। सेव कर दिया मैंने इसको, उसके बाद एंटिटी आईडी और रिकॉर्ड आईडी भी मुझे चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ दो बार दबा देता हूँ, रिकॉर्ड आईडी डालनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी डाल देता हूँ यहाँ पे, इस कुछ पैरामीटर्स को मैं कुछ पैरामीटर्स को मैं यहाँ पे हिडन करके रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं नहीं चाहता कि इसको चेंज करूँ मैं लेटर ऑन, जैसे एंटिटी आईडी रिकॉर्ड आईडी दैट विल नॉट बी चेंज, वो मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यूजर को मैं अलाउ नहीं करूँगा, यूजर को मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट चेंज करने का दूंगा। ये कहाँ पे जाएगा, एडिट वाले में जाएगा, इंस्टेड ऑफ कमेंट्स वाले में एडिट वाले में जाएगा, और एक्शन फॉर्म डॉट सीरियलाइज कर दिया, और ये मुझे ये डेटा वेटा की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली मैं एक ही में करना चाहता हूँ, मुझे फालतू का बाकी डेटा की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, फॉर्म का सारा डेटा आ जाएगा, इस तरह से सीरियलाइज हो जाएगा, यू आर एल हो गया, ये हो गया, आई डोंट थिंक और मुझे कुछ ज़रूरत है। ठीक है, डिवर्गर डाल कर रखा हूँ। ठीक है, एडिट हो गया, एडिट वाले को मैं यहाँ पे एक HTTP गेट भी कर देता हूँ, तो गेट करने के लिए मुझे इतना आई थिंक मुझे ये वाला कॉपी करना चाहिए, सबसे पहले एडिट करूँ, और उसके बाद कमेंट व्यू मॉडल आएगा इंस्टेड ऑफ ये, और मॉडल और आईडी ग्रेटर देन 1 1 कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसमें, डायरेक्टली मैं इसको हटा देता हूँ, और मॉडल आईडी वाला को इधर से मैं इसको ये वाला ब्लॉक हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, मुझे आईडी ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा ये वाला उठा लेता हूँ, मॉडल डॉट आईडी आएगी, और ये थोड़ा सा और भी क्या दिखा रहा है, डॉट वैल्यू कर दूंगा। ठीक है, डॉट वैल्यू कर दूंगा, और यहाँ पे वार कमेंट डॉट टेक्स्ट, कमेंट डॉट टेक्स्ट आ जाएगा, कमेंट डॉट यूजर आईडी इस तरह से आ जाएगी, मॉडल एंटिटी आईडी आ रही है, रेटिंग इस 1 कर दिया, टाइम स्टैम्प इस तरह से आ गया, और मैं यहाँ पे कमेंट भेजूँगा, अपडेट कमेंट आएगा, ये मेरे को एरर क्यों दिखा रहा है। ठीक है, कंट्रोल डॉट करते हैं, अपडेट कमेंट का एक नया ब्लॉग बनाता हूँ, अपडेट कमेंट का, और इधर जाऊँगा मैं कमेंट वाले में जाऊँगा मैं,
ठीक है, अपडेट करने के लिए सिंपल ये था ना, ये वाला कॉपी करूँगा मैं, बूल रिजल्ट आएगी मुझे, एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, एंटिटी स्टेट डिलीट क्यों आ रहा है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड होगा मेरा, डिलीट नहीं होगा इस बार क्योंकि मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ। तो क्या करेगा, अपडेट कमेंट में सिंपल कमेंट डालूंगा एक कमेंट, और उसका क्लास का नाम होगा, ये क्लास का नाम वेरिएबल का नाम डीबी डॉट एंटिटी एंट्री डॉट कमेंट डॉट स्टेट एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड डीबी डॉट सेव चेंजेस, बस इतना करेंगे हम लोग। यहाँ पे आते हैं, सक्सेस कर दूंगा यहाँ पे, नहीं तो फिर जेसन रिजल्ट में अनेबल टू परफॉर्म एक्शन ऑन कमेंट,